तारीख 28/9/2020 को भीम आर्मी भारत एकता मिशन गुजरात प्रदेश की ओर से रापर देवजी भाई महेश्वरी जिनकी निर्दयता से हत्या की थी, उनकी पत्नी मीनाक्षी बेन की मुलाकात की और उनको न्याय दिलाने के लिए भीम आर्मी भारत एकता मिशन पूरा साथ और सहकार देगी। मुलाकात में भीम आर्मी मध्य सरकार जोन निरीक्षक केजी धनालिया, गुजरात मीडिया प्रमुख भरत कोरी, अहमदाबाद शहर निरीक्षक हिमांशु परमार, मेहसाणा से उत्तर गुजरात जोन निरीक्षक श्री देवेंद्र मकवाना, मेहसाणा जिला प्रमुख राजेश परमार, विसनगर तालुका प्रमुख शेखर जी, पाटन जिला प्रमुख रितेश परमार, पाटन जिला उप प्रमुख जगदीश सोलंकी, भीम आर्मी भारत एकता मिशन की तरफ से घटना की जांच की और मुलाकात की और पूरा सहयोग देने की बात की और आश्वासन दिया उनको न्याय दिलाने के लिए जरूरत पड़ी तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन धरना और उग्र आंदोलन भी करेगी। नमस्कार, मैं एचपीएन टीवी न्यूज रिपोर्टर सोलंकी जगदीश। अभी मैं कच्छ रापर में यहाँ का 25 तारीख को देवजी भाई वकील की हत्या हुई थी, उनके मामले में अभी उनके फैमिली मेम्बर से बात करने आए। क्या नाम है मैडम आपका? मेघाणी मीनाक्षी बेन देसल जी। मीना बेन, अभी जो ये वारदात हुई है ये आपकी क्या अभी इसमें राय चली गई? ये चौथा दिन हुआ और जो ये जांच पुलिस को दी गई है, आईपीएस मयूर पाटिल है वो इसमें सोडाओ के साथ मिल गया है, तभी तो अभी तक उसका रिजल्ट नहीं मिला। जो राजकीय दबाव और वो मिल नहीं गया होता तो तीनों आरोपी अभी तक पकड़े जाते और इसमें भाजपा भी शामिल है। भाजपा मेन जो आरोपी को साथ दे रही है इसलिए वो पकड़े नहीं जाते। मेरी ये उनको कहना है कि जल्दी से जल्दी तीनों आरोपी पकड़े जाए, नहीं तो मैं ये समझूँ कि ये सरकार इसमें शामिल है। अभी कितने आरोपी को अरेस्ट किया गया है? 5 किया गया है पर उसकी फोटो हमको नहीं दिखाई गई और वो कौन है क्या है हमको कुछ भी दिखाया नहीं गया। सिर्फ बोलते हैं, बोलने से कुछ नहीं होता, रियल में जो दिखाई देता है वही होता है। आपको जो अभी अरेस्ट किया गया आरोपियों का, अभी उसकी कोई फोटो या मीडिया में किसी को वायरल वीडियो कुछ दिखाया गया नहीं? नहीं दिखाया गया, सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता, रियल में जो आप जो सामने देखते हैं वो ही सच्चा होता है, वो नहीं किया गया। और अभी ये जो वारदात हुई है उसके लिए अभी आपने क्या आगे की क्या रणनीति सोची है? आगे मेरा जो निर्णय है वो अटल है, उनको निर्णय लेना ही पड़ेगा कि ये तीनों आरोपी पकड़ना ही पड़ेगा और लोकअप में जब तक नहीं डाले तब तक मैं मेरे पति का मुंह नहीं देखूंगी और उसकी डेड बॉडी नहीं स्वीकारूंगी। मीना बहन का कहना ऐसा है कि जब तक आरोपियों को पकड़ लिया नहीं जाएगा तब तक उनके पति देव की मुद्दे की डेड बॉडी स्वीकारेंगे नहीं। अभी इधर गुजरात से भीम आर्मी एकता मिशन के कार्यकर्ता इधर मौजूद है, उनका नाम है देवेंद्र भाई मकवाना, उनसे आप थोड़ी बातचीत करेंगे। देवेंद्र भाई, आप अभी ये जो वारदात हुई इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? भाई को जब तक न्याय नहीं मिलेगा और 9 आरोपी हमारे सामने नहीं दिखाए गए तब तक हम उग्र आंदोलन चालू रखेंगे, जरूर पड़े तो विधानसभा घेराव पर करेंगे। यहाँ भी दूसरे कार्यकर्ता मौजूद है, केजी भाई धनालिया, आपका क्या कहना है इसके बारे में? मैं भीम आर्मी भारत एकता मिशन से केजी धनालिया, हमारी बहन की जो मांग है कि आरोपी को पकड़ना चाहिए। अभी आज घटना की पहले तो मैं निंदा करता हूँ ये घोर घटना की, लेकिन हमारी बहन की जो मांग है कि अभी तक जो आरोपी को नहीं पकड़ा है, 3 दिन होने के बावजूद अभी आरोपी नहीं पकड़े, हमारी बहन ने अभी उनका बॉडी नहीं देखा, उनका मुंह तक नहीं देखा है, तो प्रशासन से मेरी मांग है कि जल्द से जल्द आरोपी को पकड़ा जाए और शासन प्रशासन से भी मेरी मांग है कि आरोपी जल्द से जल्द पकड़ कर उन पर जो कार्यवाही कायदा की है, जो कार्यवाही है, जो कानूनी कार्यवाही है वो कार्यवाही करें। और उसके बाद हमारी ये भी मांग है कि हमारी बहन के जो भी संतान है जब वो परिपक्व हो जाए, उसके बाद जो पुख्त वय के हो जाए उसके बाद उनको गवर्नमेंट नौकरी दी जाए, ऐसी हमारी साथ में मांग भी है। और दिन प्रतिदिन हमारे समाज पे, जो बहुजन समाज पे दिन प्रतिदिन जो ये सब अत्याचार हो रहे हैं, तो उसके लिए शासन प्रशासन कोई कड़ा निर्णय ले, कोई कड़ी कार्यवाही आगे कुछ करे, जिससे हमें ये बार बार जो कोई हमें ये दिन देखना पड़ता है हमें नहीं देखना पड़े। और हम सभी साथी मित्रों से, हमारे समाज के सभी साथी मित्रों से भी ये मांगे कि एकजुट होइए, एक बन के रहिए और अपनी ताकत दिखाइए कि दिन प्रतिदिन कब तक हम ये अत्याचार सहन करेंगे, कब तक हम रिएक्शन करेंगे। दिन प्रतिदिन हम जहाँ भी जाए, आज़ादी के इतने साल बाद भी
हमको ये न्याय के लिए लड़ना पड़ रहा है, FIR के लिए झुंझना पड़ रहा है, तो ये बहुत ही निंदनीय घटना है। और हमारी बहन को ये मांग मिल, हमारी बहन की जो भी मांग है कि आरोपी को जल्द से जल्द पकड़े, अगर ये नहीं होता है तो हम इनके साथ में हैं और जहाँ तक लड़ना पड़े हम उनको न्याय दिलाने के लिए हम पूरी ताकत और पूरी मेहनत लगा देंगे। जय भीम। और यहाँ पे हम दूसरे कार्यकर्ता भीम आर्मी एकता मिशन से शैलेश भाई, आपका हिमांशु भाई, आपका इस घटना के बारे में क्या कहना है? पहले तो मैं घटना को जो बहुत दुखद समझता हूँ और निंदनीय करता हूँ, क्योंकि ये जो घटना बार बार गुजरात में जो ये हो रही है, बहुजन पे जो हमला बार बार हो रहा है, इसमें कहीं ना कहीं सरकार को मैं दोषी ठहराता हूँ, क्योंकि सरकार इसमें कहीं ना कहीं शामिल होती है। अब यही दिवजी भाई, जो अभी रापर में जो घटना हुई है, आरोपी तो पकड़ा गए लेकिन अभी भी पता नहीं है कि आरोपी सही में पकड़ा गए या नहीं पकड़ा गए। जब तक हम उनको देखेंगे नहीं, या मीडिया के माध्यम से या रूबरू जब तक देखेंगे नहीं, तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये आरोपी पकड़ा गए। और बाकी जो आरोपी पकड़ा नहीं रहे उसमें कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि पुलिस प्रशासन उनको साथ दे रही है या तो सरकार उनके साथ दे रही है, ऐसा हमें लगता है। और अगर मीनाक्षी बहन को न्याय नहीं मिला तो भीम आर्मी भारत एकता मिशन उनके साथ खड़ी है और हमेशा खड़ी रहेगी। इधर अभी ऐसा माहौल हो चुका है कि यहाँ की जनता का और सबका ऐसा कहना है कि यहाँ पर जो भी आरोपी पकड़ा गए वो खाली बातें हैं। अभी तक उन्होंने, पुलिस प्रशासन ने किसी को भी हथकड़ी के साथ अरेस्ट किया ऐसा फोटो या वीडियो या किसी मीडिया के माध्यम से अभी तक बताया गया नहीं। खाली ऐसे ही बातें की है कि उनको पकड़ा गया है, पर अभी तक ऐसा कोई, सबको ऐसा लगता है कि उनको खाली बातें करती जाए, किसी को पकड़ा गया नहीं है। HBN TV न्यूज़ रिपोर्टर सोलह की जगदीश, रापर।